हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सर्कुलर परमुटेशन पे बेस्ड ये सवाल डिस्कस करेंगे। सो मैंने आपको बताया था कि सर्कुलर परमुटेशन क्या होता है और टोटल सर्कुलर अरेंजमेंट्स हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको देख सकते हैं। इससे पहले भी मैंने और सवाल सर्कुलर परमुटेशन पे डिस्कस किए हैं, वो सभी सवाल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो सवालों से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल श्योरली क्लियर योर क्वेरी। देखिए, यहाँ पर आपको गिवन है कि 5 लड़के हैं और 5 लड़कियाँ हैं, इनको आपको राउंड टेबल के अराउंड बैठाना है लाइक दिस। पहली कंडीशन ये है कि सारी लड़कियाँ जो हैं वो हमेशा एक साथ बैठें, तो कितने अरेंजमेंट्स, सिटिंग अरेंजमेंट्स पॉसिबल होंगे। तो अगर लड़कियों को हम नाम दे दें, अब ये हमेशा एक साथ बैठेंगी तो हमने इसे वन ऑब्जेक्ट की तरह कंसीडर करना होगा, राइट? और 5 बॉयज़ हैं, 5 बॉयज़ और एक ये ऑब्जेक्ट, तो टोटल कितने हो गए? 6 ऑब्जेक्ट्स। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सिर्फ अब आपको इन 6 ऑब्जेक्ट्स को सर्कुलर टेबल के अराउंड अरेंज करना है। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि सर्कुलर अरेंजमेंट्स हम कैसे निकालते हैं, दिस एंड क्या है, टोटल ऑब्जेक्ट्स क्या थे, 6, सो दिस इज 6-1 फैक्टोरियल, राइट? लेकिन अब आप ये देखिए कि ये तो टोटल अरेंजमेंट्स हो गए 6 ऑब्जेक्ट्स के, लेकिन जो लड़कियां हैं वो आपस में तो अपनी जगह बदल सकती हैं, G2 इधर, G1 इधर, G3 इधर, G2 इधर, इस तरह से। तो देखिए कितनी जगह है, 5, और कितनी लड़कियां हैं, 5, दैट मीन्स टोटल अरेंजमेंट कितने होंगे, 5 फैक्टोरियल, ठीक है? अब इन दोनों अरेंजमेंट्स को आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों इवेंट्स का होना ज़रूरी है, डिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तभी आपका ये पूरा इवेंट कम्प्लीट होगा, राइट? अब एक चीज़ और बतानी थी, यहाँ पर जब आपने एक बार सर्कुलर अरेंजमेंट का फॉर्मूला यहाँ यूज़ कर दिया इस केस में, तो अब जब आप गर्ल्स को अरेंज करेंगे तो हमें दोबारा यहाँ गर्ल्स के अरेंजमेंट में सर्कुलर परमुटेशन यूज़ नहीं करना है, मीन्स सर्कुलर परमुटेशन का फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है कि यहाँ पे 5 लड़कियाँ थी तो क्या हो जाता, 5-1 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल हो जाता, नहीं, ऐसे नहीं करना है। ये चीज़ हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि एक, तो अब यहाँ पे जो भी परमुटेशन लगेगा वो नॉर्मल परमुटेशन लगेगा, जो हमने पढ़ा था कि जितनी जगह है उतने ही ऑब्जेक्ट्स हैं, दैट मीन्स उतना ही फैक्टोरियल उनका अरेंजमेंट होगा। सेकेंड, आपसे कहा है कि बॉयज़ और गर्ल्स सिट ऑल्टरनेटली, मीन्स एक के बाद एक, एक लड़का लड़की, लड़का लड़की, लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से। तो सबसे पहले आप बॉयज़ ले लीजिए या गर्ल्स ले लीजिए, कोई भी एक चीज़ ले लीजिए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दोनों के नंबर्स जो हैं वो इक्वल हैं, राइट? तो अगर हम बॉयज़ ले लेते हैं तो सर्कुलर अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे, 5 बॉय थे, तो इस फॉर्मूले से 5-1 दैट इज़ 4 फैक्टोरियल, राइट? ये इस तरह से लड़के अरेंज हो सकते हैं। नाउ अब लड़कियों का देखिए, मैंने क्या बताया था, एक बार अगर आपने सर्कुलर परमुटेशन यूज़ कर लिया तो अब जो भी चीज़ अरेंज करेंगे वो नॉर्मल परमुटेशन से करेंगे। तो गर्ल कितनी है यहाँ पर, 5, और 5 ही जगह है हमारे पास, दैट मीन्स गर्ल्स का क्या अरेंजमेंट हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल। दोनों इवेंट्स का होना ज़रूरी है, डिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। कोई भी दो लड़कियाँ एक साथ कभी भी नहीं बैठनी चाहिए, तो कितने अरेंजमेंट्स होंगे? तो सबसे पहले इस केस में जो दूसरी कैटेगरी है, मीन्स बॉयज़ हैं, उसको आप अरेंज करिए, तो कितने सर्कुलर अरेंजमेंट्स हो जाएंगे, 5 बॉय हैं तो 5-1 दैट इज़ 4 फैक्टोरियल। अब लड़कियों के लिए कौन कौन सी जगह बचेगी, क्योंकि कोई भी दो लड़कियां एक साथ नहीं बैठनी चाहिए, दैट मीन्स बीच में लड़का आना चाहिए, तो ये वाली जगह है, ये, ये, ये और ये, राइट? तो अब आप सिंपली देख लीजिए, 5 लड़कियां हैं और 5 ही जगह हैं, तो इसका नॉर्मल परमुटेशन अब हमें करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार आप सर्कुलर परमुटेशन कर चुके हैं, फॉर्मूला यूज़ कर चुके हैं, दैट इज़ 5 लड़कियां, 5 जगह, 5 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स, और दोनों डिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो मल्टीप्लाई कर दिया एंड इट्स सिंपल। सो उम्मीद करती हूँ कि ये सवाल आपको समझ आया होगा। अगर आपको सवाल में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी को क्लियर करूंगी। सिंस वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो नेक्स्ट सवाल मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल टू स्टे इन टच विद मोर सच अपकमिंग वीडियोज। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।